हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड दिस इज सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ व्हाट द हैक इज लाइट। लास्ट लेक्चर में दोस्तों अपन ने न्यूटन सर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा और कुछ कमियां जो उनकी थ्योरी में रह गई थी उसके बारे में बात करी। आज अपन लाइट को और बारीकी से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले, जब मैं छोटा था दोस्तों तो मैंने बहुत बार सुना था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मैं फिजिक्स पढ़ता था छोटी क्लासेस में तो मेरे को उसका कोई ज्यादा रिलेशन मैथमेटिक्स से दिखता नहीं था। खाली ये दिखता था कि हाँ भी फॉर्मूला है, और जैसे मैथमेटिक्स में अपन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं वैसा फिजिक्स में करना पड़ता है, और कोई क्लियर कट में कोई रिलेशन दिख भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और ड्यूरिंग माई एमएससी डेज आई रियलाइज कि फिजिक्स जो है वो एक तरीके से मैथमेटिक्स ही है, जो एक बहुरूपीय के जैसे फिजिक्स की फॉर्म में हमारी लाइफ में आ गई है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी आसान नहीं है कि जस्ट मैंने बोल दी और तुमने मान ली। आज जब अपन लाइट की जर्नी को ट्रेवल करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने फिजिक्स के फील्ड में इतना कंट्रीब्यूट किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं अपन फिजिक्स को मैथमेटिक्स से बाहर नहीं निकाल सकते। और ये बात एकदम सच हो जाती है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट के जैसे हैं। अब सवाल ये आता है, अगर ऐसा है तो नीट वाले बच्चों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो भाई, वो तो बायो पढ़ते हैं। तो अब जो है सो है, दिखने का फिनोमेना कैसा है, ये जो रोशनी है जो हमें दिखती है दिखती क्यों है, ये सवाल बहुत पुराना है। माना जाता है 2500-3000 साल पहले 300 BC के आसपास जो फिलोसफर्स थे, देखो वर्ड फिलोसफर यूज हो रहा है, मैं मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉमर नहीं यूज कर रहा हूं। एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ नए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिलोसफर्स। तो जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए उनने काफ़ी इसके बारे में सोचा। एक फिलोसफर हुए जिनने दुनिया को वर्ड दिया था एटम, तो उनने बोला कि जो दिखने का फिनोमेना है, जो लाइट का फिनोमेना है, जो विजन का फिनोमेना है, ये कुछ ऐसा है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है उसके और आंखों के बीच में जो हवा है, वो जो एनवायरनमेंट है, जो एयर प्रेजेंट है, वो दब जाती है और वो उस इंप्रेशन को जैसे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, वैसे उस इंप्रेशन को उस ऑब्जेक्ट से आंखों के पास लाके आंखों पे छाप देती है, जैसे कि मोहर लगती है और हमें चीजें दिखती है। लेकिन ये बात भी तो बहुत पुरानी दोस्तों, ये बात है 2500-3000 साल पहले की। ठीक है, समय बीता, कुछ और फिलोसफर्स आए, कुछ बड़े बड़े महारथी आए, उनने बोला कि नहीं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं। और फिर एक फिलोसफर ने बोला कि कुछ ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट सामने होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, क्योंकि एटम्स एक वर्ड कॉइन हो चुका था पहले, वो जो एटम्स हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स में से निकलते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं आंखों तक और आंखों को वो इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा है कि एटम्स निकल के आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से, आंखों में जा रहे हैं और आंखों को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब समय के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो तो गायब हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, गायब नहीं होता, जो एटम निकल के आ गए उन एटम्स की जगह दूसरी एटम आ जाते हैं। ठीक है, बातें और आगे बढ़ी। फिर बड़े बड़े महारथी आए, सबसे पहला नाम मैं लूंगा यूक्लिड का। यूक्लिड ने ज्योमेट्री में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, और उनकी जो ज्योमेट्री, अपन 9th क्लास में जब ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस होती है दोस्तों, तुम्हारे पॉइंट, लाइन, रे, ये सारी बातें जब इंट्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं तुम यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ने से ही ये सारी चीजें चालू करते हो, फिर उनके लेमा वगैरह तुम याद करते हो 9th क्लास मैथमेटिक्स में। लेकिन यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन बस उतना ही नहीं है जो तुम 9th क्लास में पढ़ते हो, पूरी की पूरी ज्योमेट्री उन्होंने दी हुई है। और वो जो ज्योमेट्री यूक्लिड ने दी वो इतनी बड़ी और इतनी मैग्निफिसेंट है कि आज की तारीख में जब स्पेस टाइम की बात होती है दोस्तों, तो यूक्लिडियन स्पेस टाइम, सूडो यूक्लिडियन स्पेस टाइम, नॉन यूक्लिडियन स्पेस टाइम, ऐसी टर्म्स यूज होती हैं। लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन लाइट के लिए था, वो भी फैसिनेट हुए थे इस फिनोमेना से कि जो रोशनी है वो क्या चीज है और हमें दिखता कैसे है। तो उन्होंने बोला आंखों से रेज निकलती है, उन्होंने वर्ड दिया उसको एक्स्ट्रा मिशन, यानी आंखों से रेज बाहर जा रही हैं, वो जैसे जैसे जिस चीज पे लग रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन आंखों को पास कर रही है। कैसे? जैसे कि मैं मेरे हाथ को दूर लेके जाऊं, किसी चीज को टच करूं तो मुझे पता चलता है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई ज्योमेट्री के तरीके से अगर इसको समझे तो मान लो एक कोन है, जितना बड़ा कोन है यानी जितनी ज्यादा रेज जा रही है उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है वो मुझे उतना ही बड़ा दिखेगा, जिस पे रेज छोटी है और कम गिर रही है वो ऑब्जेक्ट मुझे छोटा दिखेगा। और उनने ये जो लिमिट है विजन की इसको भी ज्योमेट्री के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, यहां पर बात जरूरी है अपने को समझनी दोस्तों कि हर एक थिंकिंग माइंड जो था वो अपने फील्ड के अलावा लाइट से फैसिनेट हो रहा था। अब थोड़ा और आगे बढ़े
तो अपने पास आ जाते हैं हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हो, जिनने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला दिया था। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने ज्योमेट्री को यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिराइव करे थे। यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और उनने भी कंट्रीब्यूट इस तरीके से किया कि वो फैसिनेट हुए इस चीज से कि यार लाइट कैसे आती है, मेरे को मिरर में इमेज कैसी दिखती है। वहां पे उनने यूज किया था जो प्रिंसिपल, उनने उसको नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्टेंस को यूज करके उनने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव कर लिए। 1500 साल बाद पियरे डे फर्मेट ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम प्रपोज किया, जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्टेंस को रिप्लेस करता है। यानी 1500 साल तक देर वॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्टेंस है वो सही है कि गलत। अगर अपन और आगे बढ़े तो आ जाते हैं टॉलमी। टॉलमी जो है उनका सबसे बड़ा नाम जब आता है, जब हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल की, भाई अर्थ जो है वो सेंटर पे और सब कुछ उसके चारों तरफ घूम रहा है। और ये भी एक ऐसा प्रपोजल था दोस्तों जिसके खिलाफ जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। और इस प्रिंसिपल के लिए, टॉलमी का ये जो प्रिंसिपल था कि जियोसेंट्रिक मॉडल का जो प्रिंसिपल था, इसके खिलाफ जाने की हिम्मत एक इंसान ने करी थी। नाम बड़ा फेमस है, कोपरनिकस। बट स्टिल कोपरनिकस वाज सो अफ्रेड कि अगर मेरा पता चलता है कि मैं ऐसा कुछ प्रपोज कर रहा हूं तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। इसलिए कोपरनिकस ने जो सब कुछ अपनी पेपर्स लिखे थे, जो ट्रिटाइज लिखी थी, वो पब्लिश ही नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही पब्लिश दैट थिंग, बट देन ही डिडंट सर्वाइव टू सी कि जो कोपरनिकस ने प्रपोज किया था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, रेदर सोलर सिस्टम में अपना जो सन है उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं। वहां पे दोस्तों ये बात बजानी बहुत जरूरी है कि टॉलमी भी लाइट के फिनोमेना से काफी कुछ इंप्रेस थे और उनने भी काफी कंट्रीब्यूट किया। जो तुम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, जो स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपन मानते हैं, जो स्नेल्स के लॉ हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन, कहीं ना कहीं उसका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन टॉलमी ने उसी वक्त प्रपोज कर दिया था। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। लेट्स कम टू दी 16th एंड 17th सेंचुरी। बीच में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। 16th एंड 17th सेंचुरी में, जैसे मैंने बताया, कोपरनिकस हुए। कोपरनिकस ने एक नया रेवोल्यूशन चालू किया साइंस में, क्योंकि उनने हिम्मत जुटाई गोइंग अगेंस्ट दी सेट जो स्टेटस क्यो था, जो फिलोसफीज थी उसके अगेंस्ट जाने की। कोपरनिकस ने जो प्रपोज किया था सेटअप जो था मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन वाला, उसको आगे लेके आए केपलर। और केपलर ने काफी उसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया। वो भी तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, केपलर्स लॉज ऑफ जो मोशन है प्लेनेटरी मोशन के, उसके तीन लॉज अपन पढ़ते हैं केपलर के। वो 11th में भी आते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, और वो 9th और 10th क्लास में भी आते हैं फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर। बट केपलर ने भी दोस्तों थ्योरी ऑफ विजन दी थी। हुआ क्या था, केपलर जो थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे, एक एक्लिप्स ऑब्जर्व करा उनने, और एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने के बाद उनका बड़ा इंटरेस्ट बैठ गया कि यार ये तो बड़ा अच्छा फिनोमेना है लाइट का, कि जो मैं दूर की चीजें देख पा रहा हूँ सारी चीजें हो पा रही हैं। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी दोस्तों, एक इंसान हुए टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे जो थे वो बड़े ही फैसिनेटेड रहते थे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, चांद सितारों के बारे में देखना, डीप स्पेस में गोते लगाना। ये माना जाता है कि नेकेड आई के सबसे फेमस अगर कोई एस्ट्रोनॉमर हुए हैं तो वो हुए टाइको ब्राहे, क्योंकि उनने बिना टेलीस्कोप जैसी चीज के, उस वक्त टेलीस्कोप नहीं था, बिना टेलीस्कोप जैसी चीज के खुद ने ऐसे सेटअप करे और तकरीबन 777 स्टार्स, 777 स्टार्स की पोजीशन उनने बता दी। रेदर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था कि जब उनने एक ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व कर लिया था जिसके चलते जो सेट थ्योरीज थी यूनिवर्स के बारे में, सेट थ्योरीज थी कल्चर के बारे में, उसके ऊपर सवाल उठ गए थे। वो किसी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अभी अपन लाइट के फिनोमेना की बात करते हैं। तो टाइको ब्राहे की ऑब्जर्वेशन ये थी एक, जिसने और ज्यादा इंट्रीग किया था केपलर को ऑप्टिक्स या फिर थ्योरी ऑफ विजन को फॉलो करने के लिए। वो ये थी कि उन्होंने बोला था कि भाई जब एक्लिप्स के टाइम पे मैं मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अगर मैं पिनहोल कैमरे से मून को देखता हूं तो उसका डायमीटर ज्यादा बड़ा आता है, और ऐसे मैं देखता हूं तो उसका डायमीटर छोटा आता है। यानी देर इज समथिंग जो डायमीटर ऑफ मून को चेंज कर रही है। अब ये बात जो है केपलर को लगा, यार ये कैसे हो सकता है, मून का डायमीटर थोड़ी ना पिनहोल कैमरे से देखे तो अलग हो जाएगा। यानी देर इज समथिंग मिसिंग हियर, देर इज सम मिसिंग लिंक। और उस मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए केपलर ने जब अपनी पूरी जी जान लगाई तो ही एंडेड अप विद द थ्योरी ऑफ विजन, और रेदर ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट प्रपोज्ड कि भाई अपनी आंखें जो है, इसमें जो रेटिना होता है, इमेज उस पर बनती है।
ये कैपलर ने दिया दोस्तों, ठीक है। अब और आगे आ जाएं, 1600s में उसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था, तो एक और बड़ा ही ब्राइट माइंड कुछ नया कंट्रीब्यूट करने वाला था, जो कि पूरे के पूरे सेटअप को चेंज कर देगा, फिजिक्स में नहीं मैथमेटिक्स में। नाम रेने डेकार्ट, उनने दिया अपने को कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम अपने पास दोस्तों वही 8th-9th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है मैथमेटिक्स में, जहां पे तुम देखते हो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये सब रेने डेकार्ट ने दिया था, जो कार्टेशियन सिस्टम है उन्हीं के नाम के आगे यूज होता है। उनने एक और बहुत बड़ी फिलोसफी दी थी, जिसने पूरे कहते कि पूरे वेस्टर्न कल्चर को ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, और उनने जो दी थी फिलोसफी वो थी आई थिंक देयरफॉर आई एम, कोजीटो अर्गो सम। और इस पर्टिकुलर फिलोसफी को ही माना जाता है। ये फिलोसफी इतनी बड़ी इंपैक्टफुल फिलोसफी थी कि जिसने वेस्टर्न कल्चर में जो डिफाइन करता है सोचने के तरीके को, एग्जिस्टेंस को, उसको काफी शेप दी। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात फिलोसफी की तो कर नहीं रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट। तो रेने डेकार्ट ने लाइट में क्या कंट्रीब्यूशन किया दोस्तों, तो उनने ये कंट्रीब्यूशन किया कि उनने अपनी एक किताब लिखी, किताब का नाम डायोप्टिक्स। और उस किताब में क्या डिस्कस किया उनने, किताब में डिस्कस किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो पहले आ गए ना, टॉलमी ने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन दिया ना, दिया, इनने उसको प्रूव किया। रेदर इनने अपनी किताब में सारी बातें करी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे देखा जा सकता है। ही टुक द एग्जांपल ऑफ टेनिस बॉल और उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, अपन पढ़ते हैं ना, अपन स्नेल्स के लॉज पढ़ते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, तो ये स्नेल्स का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों स्नेल जो है, स्नेलियस नाम था उनका, स्नेलियस ने ये लॉज जब डिराइव करे थे, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करे जब इन लॉज को डिराइव किया था, तो उनको पब्लिश ही नहीं किया। इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब पब्लिश हुए थे तो वो डेकार्ट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसे उनकी किताब में पब्लिश हुए डायोप्टिक्स में। बट एक्चुअली मैं ये कह सकता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक तरीके से तीन बार डिराइव हुए। एक बार डिराइव हुए बहुत पुराने जमाने में टॉलमी ने करे, एक बार करे डेकार्ट ने, और वो जब करा उसी टाइम पे पैरेलली स्नेलियस ने भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव और डिराइव कर लिया था। उसी वक्त इन सबके कंटेम्प्रेरी थे दोस्तों पेरे दे फर्मा, जो कि बाय प्रोफेशन लॉयर थे लेकिन हॉबी से मैथमेटिशियन थे। और कंट्रीब्यूशन में आज जो बात कर रहा हूं दोस्तों है फिजिक्स के फील्ड का। वो किस लिए कुख्यात थे, क्योंकि वो क्या करते थे ना, वो प्रॉब्लम्स जनरेट करते थे और अपने कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियंस को उनको प्रॉब्लम भेजते थे और उनको टीज करते थे कि भाई अगर सोल्व कर सकते हो तो बताओ उसका सोल्यूशन क्या है। यहां पे एक बहुत बढ़िया कहानी है दोस्तों, उन्होंने एक प्रॉब्लम ऐसे ही बनाई, तो फर्मास लास्ट थ्योरम के जैसे काफी फेमस है, जो उस वक्त के कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियंस सोल्व नहीं कर पाए और वो अब जाके लेट 1990s में प्रूव हुई। फर्मा ने दोस्तों क्या किया था, एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। उनने बोला कि अगर एक रे ऑफ लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो वो उस रास्ते जाएगी जहां पे उसको सबसे कम टाइम लगे। यानी उनने एक 1500 साल पुराने रूल को और प्रिंसिपल को चेंज कर दिया, जहां पे बोला गया था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा कि अगर रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो लीस्ट डिस्टेंस को फॉलो करेगी। लीस्ट टाइम का जो प्रिंसिपल था दोस्तों, उस प्रिंसिपल को यूज करके पेरे दे फर्मा ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। अब यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो ये है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, जो अपन पढ़ते हैं, जिनको अपन देखते हैं और तो मानते हैं कि भाई ये तो स्नेल्स ने दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तीन लोग तो एक साथ कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन हाल फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मोस्टली दे ऑल वर मैथमेटिशियंस, जिनने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया जो कि फिजिक्स में अपन यूज करते हैं। एक और यहां पे बात जोड़ूं अगर दोस्तों, तो पेरे दे फर्मा का जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जब सर आइजक न्यूटन को बर्नौली ने चैलेंज किया था एक प्रॉब्लम उनके ऊपर थ्रो करके, और वो इस लिंक में तुम देख सकते हो। अब अगर अपन आगे बढ़े, तो जब तक कि सर आइजक न्यूटन पिक्चर में नहीं आए थे, तब तक मोस्टली ये बातें नहीं होती थी कि जो लाइट है वो किस चीज की बनी हुई है, इसमें कलर कैसे आता है, ये बातें नहीं होती थी, नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बातें नहीं होती थी। फिर आई कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो सर आइजक न्यूटन ने दी, वो भी अपन इस वीडियो में देख चुके हैं जो कि लेक्चर 1 है इस सीरीज का। लेकिन सर आइजक न्यूटन का ही एक और कंटेम्प्रेरी फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन बोलो या फिलोसफर बोलो, वो थे हिगिन्स। हिगिन्स ने जो हिगिन्स प्रिंसिपल दिया, वो वेव थ्योरी को प्रपोज करता है, उनने उसके ऊपर पूरी एक ट्रिटाइज भी लिख दी। लेकिन दोस्तों
वेव थ्योरी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, रेदर मैं कहूंगा इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि 150 साल लगे वेव थ्योरी को खुद को मनवाने में कि हाँ यह भी एक सच है। इस बारे में दोस्तों अपन अगले वीडियो में ज्यादा जानकारी लेंगे, तो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में हिगिंस थ्योरी के साथ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।